हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उसका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए मैं आपके लिए मैथ का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपके पेपर में फंसेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे हैं, सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, ये वीडियो जो हम लोगों की है, ये वीडियो है अंतिम बार, मतलब अब की बार अंतिम प्रहार। यानी जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपकी होगी अब की बार अंतिम प्रहार। यानी इस बार हमें क्या करना है, अंतिम प्रहार करना है, और इस बार हमें क्वालिफिकेशन ले लेना है, यानी क्लास 10th को पास कर जाना है। तो क्लास 10th को पास करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी के समान हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो क्या होगा कि जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। तो मोटिवेशन लाइन ये है कि तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। इसका मतलब ये है कि जब तक उम्र है आपका तब तक पढ़ लीजिए, वरना उम्र बीतने के बाद आप कहेंगे कि अरे मेरे तो नसीब में यही नहीं था, मेरी तकदीर में यही नहीं था कि मैं इसे क्वालिफाई कर जाता। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अपनी तकदीर को कैसे बनाएंगे। तो आपको अपनी तकदीर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कैसे करेंगे, पढ़ के मेहनत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल है क्या हम लोगों का। तो देखिए पहला सवाल कहा है कि पहला सवाल ये है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। कहा है यदि 1/x² + 5 = 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम यक्ष का मान ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए मान दिया है 1/x² + 5 = 1/9। अगर बच्चों दोनों पक्षों को यहाँ पलट दोगे, यहाँ दोनों पक्षों को अगर पलट दोगे तो आएगा क्या, x² + 5 = 9। क्या आएगा, x² + 5 = 9। इधर प्लस में 5, उधर जाके माइनस में होगा तो x² = 4। तो x = +-2। अब यहाँ 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है, ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या करेगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाके बनाएगा वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता है 2। अब 2 प्लस माइनस में हम क्यों लिखे हैं, तो बच्चों 2 प्लस माइनस में हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप प्लस 2 का भी वर्ग करें तब भी 4 होगा, हम -2 का भी वर्ग करें तब भी 4 होगा, इसलिए हमें प्लस और माइनस दोनों लिखना है। इसलिए क्या करना है, हमें प्लस और माइनस दोनों लिखना है। तो प्लस माइनस जब दोनों लिखना है तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का +-2। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का +-2। देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ये का बी नंबर सही है। अब चलिए पहला तो सवाल हम लोगों ने लगा लिया, पहला सवाल क्या लगा लिया, पहला सवाल तो हम लोगों ने लगा लिया ये वाला। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि दूसरा सवाल कैसे लगाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल कहा है बच्चों हम लोगों का कि यदि कॉट, क्या कहा है, यदि कॉट, ठीक है, क्या कहा है, यदि कॉट 80 × cot 10 यदि कॉट 80 × cot 10 -10 80 और 10 10 का मान होगा। तो देखिए इसका भी हम दो मेथड आपको बताएंगे, दो मेथड। तो एक ट्रिक वाला कैसे कि जब पेपर में आएगा तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। अगर ट्रिक इसलिए बताएंगे कि अगर पेपर में ऑप्शन ली में आपका क्वेश्चन आया, क्या अगर आपका जो क्वेश्चन हो वो ऑप्शन में हो तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो देखिए पहले हम आपको मेथड से लगा कर दिखाते हैं, क्या पहले हम आपको मेथड से लगा कर दिखाते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन है हम लोगों का cot 80 × cot 10 -10 80 × tan 10। अब बच्चों ये बताओ कि इसे, ये cot 80 है तो तुम इसे लिख सकते हो cot 90 - 10। 90 - 10 गया, 80 कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। इसे भी लिख दो cot 10।
अब बताइए टेन अस्सी अंश को क्या लिख सकते हो? तुम टेन अस्सी अंश को लिख सकते हो टेन नब्बे माइनस टेन। अब बताइए बच्चों, जब टेन अस्सी अंश को नब्बे माइनस टेन लिख सकते हो तो अस्सी हो जाएगा, अब इंटू ये वाला टेन रहने दीजिए। अब बताइए कि कॉट नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो बच्चों कॉट नब्बे माइनस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना है? तो टेन, ये वाला लिख दीजिए कॉट टेन अंश माइनस। अब टेन नब्बे माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो टेन नब्बे माइनस थीटा का मान होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट टेन हो जाएगा इंटू टेन टेन अंश। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि ये टेन को उल्टा क्या होता है? कॉट। इसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट टेन अंश इंटू में ये कॉट टेन अंश था। अब कॉट को उल्टा क्या होता है? तो कॉट को उल्टा होता है टेन, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा? टेन टेन अंश इंटू ये टेन टेन अंश। अब बताइए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या गया? एक, इधर भी एक माइनस इधर भी एक, तो क्या हो जाएगा? जीरो। इधर भी एक इधर भी एक, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब तो ये मेथड हो गया कि आपका जो सवाल में एक नंबर में अगर लिखित में आएगा, एक नंबर के अगर लिखित में आएगा तब आप ऐसे करेंगे, ठीक है? अगर एक नंबर के लिखित में यह सवाल नहीं आए, अगर यही सवाल आपके एक नंबर के लिखित में नहीं आए तब आप कैसे करेंगे, और आप अगर ऑप्शनली में आ जाए तब आप इसे कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों ट्रिक हम आपको ये बताते हैं कि क्या होगा कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर आंख बंद करके कर दीजिएगा कि जीरो। आप उसका आंसर क्या आंख बंद करके भी कर दीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा? जीरो। ऐसे क्वेश्चंस का आप आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा जीरो। तो ये तो हो गया ट्रिक। ट्रिक क्या हो गया कि आंख बंद करके हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देखना है जिनमें ये जो दोनों थीटा हैं इनका मान जोड़ने पर 90 अंश हो, ये दोनों थीटा हैं इनका मान जोड़ने पर 90 अंश हो, तो आप कर दीजिएगा कि इसका आंसर जीरो होगा। क्या? इसका आंसर जीरो होगा। समझ में आया? अब चलिए ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि साइन थीटा इक्वल टू अंडर थ्री अपॉन टू, यदि साइन थीटा इक्वल टू कहा है, देखिए दिखाते हैं, कहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू अंडर थ्री अपॉन टू तो टेन टू थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन टू थीटा का। अब बताइए बच्चों ज्ञात क्या करना है? टेन टू थीटा हम लोगों को ज्ञात करना है। अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू है, तो ये तो साइन थीटा को यहीं रहने दीजिए। अब बताइए अंडर रूट थ्री अपॉन टू साइन कितना का मान है? तो ये मान है बच्चों आपका साइन, ये मान है आपका साइन साठ अंश का। किसका? साइन साठ अंश का। अब बच्चों क्या करेंगे, अब आप इसका तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका तुलना। तो जब भी बच्चों आप इसका तुलना करोगे तो तुलना करने से थीटा बराबर आएगा साठ अंश। थीटा बराबर साठ अंश, तो यहाँ पर थीटा का मान रख दो तो क्या हो जाएगा? टेन टू गुणे सिक्सटी, तो क्या हो जाएगा? टेन एक सौ बीस अंश। तो अब बताओ, अब ये हमें बताओ आप कि टेन एक सौ बीस अंश को क्या आप लिख सकते हैं? टेन नब्बे प्लस तीस अंश। क्या आप इसे लिख सकते हैं? टेन नब्बे प्लस तीस अंश। अब बच्चों जब टेन नब्बे प्लस तीस अंश होता है ना, यानी टेन नब्बे प्लस थीटा होता है, तो उसका मान होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है? माइनस कॉट, और थीटा का मान है तीस। तो अब बताइए कि कॉट तीस अंश का मान कितना होता है? तो बच्चों कॉट तीस अंश का मान होता है अंडर रूट थ्री। क्या? कॉट तीस अंश का मान होता है अंडर रूट थ्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट थ्री, वो भी माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से हमने बताया, इतना आसान तरीका से हम आपको बताएंगे कि सिर्फ आप देखते ही आंसर बता देंगे कैसा आंसर होगा। अब पेपर में आपको 100% करके आना है, ठीक है? पेपर में क्या करना है आपको? 100% क्वेश्चन को हल करके आना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? कहा है एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो अब देखो बच्चों कि समांतर माध्य क्या कहता है? समांतर माध्य कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या है उनसे भाग दे दो, तो हम समांतर माध्य हो जाएंगे। समांतर माध्य क्या कहता है? तो समांतर माध्य कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या है ना उसे भाग दे दो, तो हम समांतर माध्य हो जाएंगे। तब बताइए संख्या कितनी है? संख्या कितनी? तो संख्या है एक, एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्या का है ना, तो लिख लो
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब देखो, अब रूल तो यही कहता है कि सबको जोड़ो और जितनी संख्या से भाग दो। तो सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, कितना हो गया, नौ। अब इन सबको जोड़ो, तो इन सबको जोड़ोगे बच्चों ना तो आएगा 45 आपका, कितना आएगा 45। अब वही 45 में आप 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 आंसर, कितना आ जाएगा 5 आंसर। लेकिन 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 ये है इसमें कि आप तो इसे ऑप्शनली में आएगा तब कैसे करेंगे, आप अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तब कैसे करेंगे। ये तो लिखित वाली बात हो गई ना, ये क्या, ये लिखित वाली बात हो गई कि इसे लिखित वाले में कैसे करेंगे। लेकिन ट्रिक हम आपको बताते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप क्या करेंगे कि आप आंसर अगर बहुत जल्द निकालेंगे। जब भी याद रखिएगा क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन सीरीज में दिया हो, सीरीज यानी एक श्रेणी बनती हो, तो क्या होगा, वहां आप इस ट्रिक को अपनाएंगे। जहां भी एक सीरीज बनता हो वहां आपको इस ट्रिक को अपनाना है। तो ट्रिक यही कहता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपान टू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट है एक और लास्ट है नाइन, तो जोड़ो एक प्लस नाइन अपान टू इक्वल टू कितना हो गया पाँच, कितना हो गया पाँच। तो अब बताओ बच्चों, इससे भी आंसर आया, इससे भी आंसर आया, लेकिन टाइम कम किस में लगा, तो टाइम कम लगा सेकेंड वाले में। तो ये तो ऑप्शन में अगर आएगा तो ऐसे पारेंगे, लेकिन लिखित में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पाँच। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाँच। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। तब बताइए बच्चों कि बहुलक क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि बहुलक क्या होता है। तो देखिए बहुलक वो होता है ना जिसमें जिसकी संख्या ज़्यादा हो, यानी जो जितना रिचेस्ट पर्सन होगा वही बहुलक की श्रेणी में सबसे पहले आएगा। जो जितना अमीर आदमी होगा बहुलक की श्रेणी में सबसे पहले वही आएगा। जैसे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, तो वो बहुलक में सबसे पहले आएंगे, तो देखिए, तो हम लोगों को दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। तो अब बताइए कि पद दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, तो बारंबारता मतलब कि जितनी बार आए, बारंबारता मतलब कि जितनी बार आए। तो अब देखिए कितने, पाँच कितनी बार आया है, छः बार। पंद्रह कितनी बार आया है, सात बार। पच्चीस कितनी बार आया है, अठारह बार। पैंतीस कितनी बार आया है, सात बार। पैंतालीस कितनी बार आया है, चार बार। तो कौन ज़्यादा बार आया है इसमें, तो बच्चों देखिए ज़्यादा बार आया है आपका अठारह। ज़्यादा बार कौन आया है, अठारह। तो ज़्यादा बार अठारह आया है, तो आंसर हो जाएगा इसका अट्ठारह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अट्ठारह। देखिए सबसे आसान तरीका से हमने आपको बताया है, और इसी तरह आपको पेपर में करना है, तभी आप 90 प्लस से स्कोर कर पाएंगे पेपर में। तभी आप पेपर में 90 प्लस से स्कोर कर पाएंगे। तो समझ में आया, अब चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है कि साइन 31 अंश अपान कास 59 अंश का मान होगा। अब देखिए इसे भी हम आपको दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड तो ये होगा कि जब कॉपी पर लिखने के लिए आएगा, यानी लिखित वाला, तो उस पर कैसे लगाएंगे, और अगर ऑप्शनली आएगा तो उस पर कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ है हम लोगों का साइन 31 अंश और यहाँ है कॉस 59 अंश। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि साइन 31 अंश को क्या तुम लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 59, साइन 90 माइनस 59। क्योंकि 90 में से 59 को अगर तुम घटाओगे तो 31 आ जाएगा कि ना, मान में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो जब मान में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया कॉस 59। अब बताओ कि एक फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा यहाँ पर कॉस 59 अंश, ये भी कॉस 59 अंश। आप कटा दो, कटा के कितना लिया दो, एक आंसर, कटा के कितना लिया दो, एक। अब तो इतना मेथड आप करेंगे जब पेपर में लिखने के लिए आएगा, क्या जब पेपर में लिखने के लिए आएगा तब आपको इतना करना होगा। बट लेकिन आप अगर ऑप्शनली आए तब कैसे इसका आंसर मारेंगे। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना आप ये कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए,
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप बटा में हो और दोनों की थीटा को मान को जोड़ने पर 90 अंश हो, दोनों की थीटा को मान को जोड़ने पर 90 अंश हो, तो झटाक से इसका आंसर मार दीजिएगा एक। झट से इसका आंसर क्या मार दीजिएगा, तो झट से इसका आंसर मार दीजिएगा एक, वो भी साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में हो, वो भी साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में हो और थीटा ये दोनों जोड़ने पर 90 अंश आए तो आंसर मार दीजिएगा एक। बहुत देख कर बस मार दीजिएगा कि आंसर कितना होगा, तो आंसर होगा इसका एक। समझ में आया, ये देखिए ये ट्रिक हमने बता दी आपको। अब ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि द्विघात समीकरण 5 + 7x - 3x² = 0 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग होगा। बच्चों आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल α/β बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, तो मूलों का योग हो जाएगा -b/a। तो अब बताइए यहां पर जो ये है आपका a, ये है जो आपका b, ये है जो आपका c। अब बताइए यहां b का मान कितना है, तो यहां b का मान है 7, ये माइनस पहले से। अब बताइए यहाँ पर a का मान कितना है, तो a का मान है यहाँ माइनस है, ये 3 है, ये माइनस है, ये 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा -3। अब बच्चों ध्यान दो कि माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 7/3। तो जहाँ आंसर दिख जाए आपको 7/3 उस पर ट्रिक कर दीजिए, तो 7/3 ऑप्शन नंबर डी इन करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो डी नंबर आंसर करेक्ट हो गया। तो आपको सातवां सवाल ऐसे करना है, ठीक है, बहुत आसान तरीका और आसान मेथड हमने आपको बताया, आप ऐसे चाहें तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि सेक थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया है कि सेक थीटा कोसेक थीटा और टेन थीटा का मान पूछा है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करो ना, इन्हें टेन में तोड़ दो, इसे टेन में नहीं, इसे साइन और कॉस में तोड़ दो, इसे क्या करो, इसे आप साइन और कॉस में तोड़ो। देखो साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो कॉस का होता है 1/cos, ना सेक का होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा का उल्टा, मतलब कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा। और बच्चों एक और फार्मूला पढ़े होंगे कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ साइन से साइन कट गया, क्या साइन से साइन कट गया, तो यहाँ इक्वल टू कितना है, ऊपर का गुणा करेंगे तो एक और नीचे को गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या क्या है, क्या कहें ऑप्शन में आपको 1/cos² थीटा दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन में तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है, तो एक स्टेप और इसे आगे ले जाते हैं। तो एक स्टेप और ले जाने का मतलब हो गया कि यह यहाँ देखिए बटा में, तो ये उल्टा है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है पहला नंबर सेक स्क्वायर थीटा इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा, और आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी पेपर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का यदि संख्याएं इतना 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 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों समांतर माध्य जो हमने आपको बताया, तो समांतर माध्य का तो यही कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो आज इतनी संख्याओं से भाग दे दो, तो मैं ही क्या हो जाऊंगा समांतर माध्य, तो यहाँ समांतर माध्य दे दिया है। अब चलिए सभी संख्याओं को जोड़कर हम दो ट्रिक आपको बताएंगे यहाँ पर। देखिए पहला तो बात यही कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, तो जोड़ो 2, 5, 6, 7 अपान और यक्स अपान कितनी संख्या होगी 5, इक्वल टू कितना दिया है 5, इक्वल टू का मतलब समांतर माध्य दे दिया है 5, इसे उधर भेज दो, इसे जोड़ो तो कितना होगा 7, देखिए 5 × 2 = 7, 7 × 7 = 14, 20 कितना होगा 20 + x = 25, तो यक्स बराबर 20 इधर है तो उधर जाकर माइनस होगा, तो यक्स बराबर 5 आंसर, यक्स बराबर 5 आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका
कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कहा है 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि धनात्मक भी हो और विषम भी हो संख्या, क्या धनात्मक भी हो और विषम भी हो संख्या, तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से 10 के अंडर आते हैं लेकिन वो धनात्मक विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, एक होता है 1, ये भी विषम संख्या है, 1 होता है 3, 1 होता है 5, 7, 9, यही संख्याएं जो 1 से 10 के अंडर आते हैं लेकिन ये संख्याएं जो हैं धनात्मक विषम संख्याएं। ये संख्याएं क्या हैं? तो ये संख्याएं धनात्मक विषम संख्याएं हैं। तो अब देखिए कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि पहले तो सब क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और भाग दो। हम दो मेथड आपको बताएंगे। तो पहला मेथड ये है कि आप क्या करेंगे कि सबका प्लस कर देंगे। सबका प्लस कितनी संख्या है? 2, 4, 5, कितनी हो जाएंगी? 5। अब जोड़िए कितना हो जाएगा? 10, 20, 25, कितनी हो गई? 25। 25 में 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 5 5 25। 25 से 5 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 5 5 25। तो आंसर तो बच्चे 5 आ गया, लेकिन ये तो लिखित तरीका हो गया। ये तो आपको एक नंबर में आए तब करेंगे, ये क्या, ये तो आपके एक नंबर में आए तब करेंगे, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए तब आप कैसे करेंगे? तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप क्या करेंगे? हमने आपको बताया कि जब भी आपके पास सीरीज हो, क्या जब भी आपके पास सीरीज हो, तो सीरीज हो तो क्या करें कि फर्स्ट उठाइए, लास्ट उठाइए, जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह भी आंसर कितना आ गया? 5। इस तरह भी आंसर कितना आ गया? 5। तो ये हो गया आपका ट्रिक, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका ट्रिक। तो ऐसे भी ट्रिक अप्लाई करके आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1/x² + 6 = 10 का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको एकदम धुआं उड़ा देना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके जाना ही है, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए लगाते हैं इससे सवाल को। कहा है 1/x² + 6 = 1/10। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों को पलट दीजिए। तो दोनों पक्षों को पलटेंगे तो 1x² = 6 = 10 आएगा। तो अब बताइए, प्लस में है तो उधर जाकर क्या होगा? माइनस में, तो 1x² = 4 आया। अब बताइए यहाँ वर्ग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्गमूल, तो 1x + -2। यक्स बराबर क्या आ गया? +-2। तो आंसर कहीं दिख रहा है? +-2। देखिए बहुत आसान तरीका, अगर जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं अगर आप वैसे पेपर में लगाएंगे तो बहुत जल्दी तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपका 100% हम कह रहे हैं कि इसमें से 99% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम में फंसेंगे, इसमें से जो 99% क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में फंसेंगे, नहीं होंगे तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का, ये कहा है यदि 2 cos 3θ = 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए, कहा है 2 cos 3θ = 1। तो अब बताइए कि यहाँ हो गया cos 3θ = 1/2, क्योंकि ये इंटू में था तो इधर आके भाग में हो गया, ये इंटू में था तो इधर आके भाग में हो गया। तो अब बताइए कि 1/2 का 60° का मान है, तो यहाँ तो cos 3° रहेगा, इधर क्या 1/2 cos कितना का मान है? तो 1/2 जो cos है ये है आपका मान cos 60° का। तो cos 60° का जब ये मान है तब तुलना करेंगे तो आएगा 3θ = 60, तो 3 × 2 = हो जाएगा 6, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 20। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 20। तो बच्चों कहीं इसमें 20 दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको हल करके जाना है, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको हल करना है। अब चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि कहा है कि यदि एक गोले का व्यास, क्या कहा है? कहा है यदि एक गोले का व्यास डी सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होगा? तो बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या किसकी होती है?
त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या होती है किसकी, व्यास की आधी होती है। तो अब बताइए कि गोले का आयतन क्या है, तो गोले का आयतन होता है क्या, 1/3 πr³। गोले का आयतन क्या होता है, 1/3 πr³। तो यहाँ 1/3 रहेगा पाई, अब r की जगह पर क्या रखना है, d, r की जगह पर क्या रखना है, d, तो यहाँ हो जाएगा d³/2, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/6 πd³ हो गया सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैचिंग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ऐसा ऐसे क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए ये क्वेश्चन तो ऐसे आप लगाएंगे, एकदम आसान तरीका से हमने आपको बताया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप में आपको पेपर में आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है पेपर में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि द्विघात समीकरण 5 − 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अभी बच्चों हमने आपको बताया, अभी बताया कि मूलों का जो गुणनफल होता है क्या, जो मूलों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो बताइए c कहाँ है, c इसमें 5 है, a कितना है, 3 है, तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5/-3, क्या हो जाएगा 5/-3, तो कहीं दिख रहा है −5/3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप हल कर लेते हैं तो आपके पेपर में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस कहीं नहीं छूटेंगे, आपके पेपर में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। तो बच्चों यही ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, यही ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके नंबर को बढ़ाते हैं, जो आपके क्या करते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं। तो ये अगर छोटी गलतियां आप पेपर में करेंगे, ऐसी ऐसी अगर छोटी गलतियां आप पेपर में करेंगे तो आपका कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक जानना पड़ेगा, तब क्या करेंगे आप जाके पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।